वहीं आज के तापमान में 3 डिग्री की गिरावट के साथ टेम्परेचर 6 डिग्री पर पहुंच गया है। अरावली की उच्चतम चोटी गुरुशिखर पर भी 2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के बावजूद पर्यटकों की संख्या में कोई कमी देखने को नहीं मिली है। इंडिया न्यूज संवाददाता अनिल एरन की यहां से ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रकार से तापमान में जो है उतार चढ़ाव जारी है। अगर आज माउंट आबू की बात करें तो कल 9 डिग्री पर जिस प्रकार से तापमान था, आज 3 डिग्री की गिरावट के साथ में 6 डिग्री पर रहा। हम जिस प्रकार से पर्यटक जैसे ही सुबह के मौसम के बाद में घूमने निकलते हैं, नक्की लेक पे हैं, हम हरियाणा से आए पर्यटकों से बात करना चाहेंगे कि आप बताएं कि कैसा मौसम है और किस प्रकार का माउंट आबू का। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है यहाँ पे, हमें लगा है मौसम बहुत बढ़िया है। हम जैसलमेर के अंदर गए हुए थे अभी, वहाँ पे कुछ ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन वहाँ पता चला कि माउंट आबू जिस तरह से बात की जाए, हमारे चंडीगढ़ और हमारे पास शिमला, शिमला शहर बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन ये शिमला से भी बेस्ट है। बेस्ट घिरा हुआ है, जितने लेक है चंडीगढ़ में भी ऐसी लेक है। मौसम यहाँ पर बहुत बढ़िया है घूमने के लिए, और जो भी पर्यटक हैं अब घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार माउंट आबू जरूर आएँ और यहाँ पर आके देखें कि बहुत सुंदर प्रकृति के नज़ारे हैं। यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी लेक है यहाँ पर, और यहाँ के जो लोग हैं, तो बात की जाए चाहे होटल वाले हैं या कोई भी हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो पर्यटक आते हैं उनसे बड़ा प्यार करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। तो राजस्थान का बहुत ही प्यारा एरिया है। बात की जाए जिस तरह से लोग चाहते हैं, देखते हैं कि राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा तापमान होती है, लेकिन मैं उन सभी लोगों से बोलूँगा कि माउंट आबू एक ऐसा एरिया है जो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश और शिमला के अंदर ठंड होती है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही मौसम होता है। जिस प्रकार से अच्छा मौसम है, और कहीं ना कहीं आप क्या बोलना चाहेंगे वहाँ पर? हमें बहुत अच्छा लगा, एडवेंचर एक्टिविटीज है, और कहीं ना कहीं माउंट आबू के लिए पर्यटक दौड़े चले आते हैं। कैमरा पर्सन सूर्यांश के साथ अनिल एरन, इंडिया न्यूज माउंट आबू।